कांग्रेस सरकार में नूरपुर के विकास की अनदेखी का रोना रोने वाले ये जान लें कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नूरपुर में अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसके चलते नूरपुर की प्रमुख सड़क चकाचक हालत, सरकारी अस्पतालों का दर्जा बढ़ाकर 135 बिस्तर सहित सिटी स्कैन, आधुनिक लैबें, मातृ शिशु अस्पताल की स्वीकृति, 36 स्कूलों का दर्जा बढ़ाना, आपदा प्रबंधन बटालियन यूनिट, मिनी सचिवालय, जसूर बाजार का कायाकल्प, नूरपुर शहर की सीवरेज योजना, नूरपुर में विभिन्न जगह पार्किंग, बीएमओ ऑफिस को नूरपुर लाना, 178 करोड़ की छोटी बड़ी सड़कें व पुल, करोड़ों की पेयजल व सिंचाई योजनाएं आदि उनकी उपलब्धियां थी जो अपने आप में विकास की मुंह बोलती तस्वीर है। कांग्रेस को कोसने की बजाय भाजपा बताएं कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था उन्हें अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा है, जबकि अब केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। ये कहना है नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन का। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है। अजय महाजन ने कहा कि चुनावों के दौरान हर जगह नूरपुर को जिला बनाने के बारे में चीख चीख कर बोलने वाले विधायक राकेश पठानिया मुख्यमंत्री के नूरपुर दौरे के दौरान मंच पर इस मुद्दे पर मौन क्यों रहे, इस विषय पर एक भी शब्द तक नहीं बोला गया, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिए अपने बयान में जिले बनाने को पूरी तरह नकार दिया था। विधायक राकेश पठानिया बताएं अब उनका क्या स्टैंड है, क्या उनके लिए जिला मात्र चुनावी एक मुद्दा ही था जिसे हर बार उछालकर वह जनता को बरगलाते हैं। फीना सिंह नहर में कार्यरत ड्रॉप्स मैन को यहां से उठाकर मंडी भेज दिया गया। उत्तक योजना इस महत्वपूर्ण पद से वंचित हो चुकी है, ऐसे में योजना कैसे सिरे चढ़ेगी, यही वही यहां से कुछ एक मशीनरी भी शिफ्ट कर दी गई है। प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल में फिनांसिंग नहर के लिए केंद्र में से एक पैसा तक नहीं ला पाई है, जबकि प्रदेश सरकार अपनी ओर से 5 करोड़ देने की जो बात कह रही है, इतनी बड़ी परियोजना के लिए राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कंडवाल से बॉर्ड तक बनने वाली 4 लेन सड़क के प्रस्तावित सर्वे में उखड़ने वाले हजारों लोगों की बात को प्रदेश सरकार के समक्ष क्यों नहीं रखा गया। सड़कें बननी चाहिए, लेकिन ऐसी योजनाओं का भी क्या लाभ जिससे लोग ही सड़क पर आ जाएं। नूरपुर में बनने वाला मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, जिसके लिए समुचित धनराशि भी आ चुकी थी और उसका विधिवत शिलान्यास भी हो चुका था। वहीं उत्तक अस्पताल में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर की प्रक्रिया आदि अन्य मशीनरी लाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण पर थी, लेकिन 2 माह में इस अस्पताल का कार्य ही शुरू नहीं हो सका, जबकि ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर पर मात्र झूठा श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार इसका मात्र श्रेय लेने में जुटकर इसके कार्य को लटका रही है। नूरपुर के सरकारी कॉलेज के लिए धन का प्रावधान कर इसका शिलान्यास किया गया था। प्रथम चरण में कांग्रेस सरकार ने प्रथम चरण की राशि भी स्वीकृत कर दी थी, लेकिन चुनावों के बाद विधायक राकेश पठानिया ना तो एक पैसा लाने में सफल हुए, बल्कि इस भवन का कार्य ही शुरू नहीं करवा पाए। अजय महाजन ने कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बनने वाले 7 खेल मैदानों के लिए 70 लाख की स्वीकृति की गई थी, उनके निर्माण का कार्य क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है। अजय महाजन ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के नूरपुर दौरे पर 4 लेन प्रभावित सहित अनेक लोग अपनी समस्याएं बताने के लिए मुख्यमंत्री का रेस्ट हाउस में इंतजार करते रहे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर प्रदेश सरकार को लोगों की बात सुनने का ही वक्त नहीं था, जिसके चलते अधिकांश फरियादी निराश होकर लौटने पर मजबूर हुए, जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार जनता की कितनी हितैषी है। अजय महाजन ने प्रदेश सरकार पर नूरपुर में विकास के नाम पर फट्टे लटकाने पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास कार्यों की रखी गई विभिन्न आधारशिलाओं पर बजट का प्रावधान था, भाजपा झूठ बोलकर व इन कार्यों को लटकाकर और बाद में इन्हें अपना नाम देने की फिराक में है। ये जो हमारे एक नेशनल हाईवे 4 लेन बनने जा रही है, यहाँ पे हमारे चुनाव क्षेत्र से बहुत लोग डिस्प्लेस होने जा रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि यहाँ के जो विधायक इसको जो हमारी यहाँ संघर्ष समिति बनी है उसका जो व्यू पॉइंट था हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने उचित ढंग से प्रभावशाली ढंग से रखते, पर उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो इतने हजारों लोग प्रभावित होने जा रहे हैं उनकी भावनाओं से भी कल खेला गया, इससे भी मुझे दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा हुआ बीजेपी सरकार में के इस गवर्नमेंट में, और
मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो विधायक थे उन्होंने चुनावों से पहले एक दृष्टि पत्र निकाला था और चुनाव दो बड़े मुद्दों के ऊपर लड़ा था, बाकी तो अन्य मुद्दे थे कि एक था कि नूरपुर को डिस्ट्रिक्ट बनवाएंगे और ये तकरीबन कई चुनावों से ये मुद्दा चल रहा है, पर इस बार उन्होंने दृष्टि पत्र में बड़े साफ तौर पर दोबारा लिखा, और दूसरा नूरपुर में जोनल हॉस्पिटल बनाएंगे। बड़े एक मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि जब कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए तो जो माननीय विधायक जी यहाँ के हैं उन्होंने जो दृष्टि पत्र था वो पूरी तरह दृष्टिहीन कर दिया और डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी बनाने की, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट बनाने की डिमांड को स्टेज पे एक बारी भी नहीं कहा।